तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन कंट्रीज के बारे में, जिनका मेन मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। यानी ये कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो 10 कंट्रीज हैं ये, और ये खुद को एक कम्युनिटी समझती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग अलग अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के बजाय खुद के ग्रुप को एशियान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। ये इनका मेन मोटो है और मेन मकसद है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। और इससे पहले भी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एशियन क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो फुल फॉर्म क्या है एशियन की? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। एशियन वाज फाउंडेड इन 1967 इन बैंकॉक। एशियन को जो फाउंड किया गया था वो 1967 में किया गया था बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड में है। और उस समय इसकी जो 5 कंट्रीज ने मिलकर फाउंडेशन की थी, और वो 5 मेंबर कंट्रीज थी इसकी। फर्स्ट इंडोनेशिया और फिर मलेशिया, ये कंट्रीज मिलकर इन्होंने एशियन को बनाया था। फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है, कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है आज के समय में वो है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। इसकी मौजूदा कंट्री मेंबर्स हैं जो वो 10 कंट्रीज हैं जो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तो हम इनकी फाउंडेशन कंट्रीज ही थी, इसकी फाउंडिंग कंट्रीज थी। और जो अलग से कंट्रीज हैं जिन्होंने बाद में एंटर किया वो थी ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, वियतनाम एंड कंबोडिया। तो ये इनकी मेंबर कंट्रीज हैं। तो और आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, ये आप मैप में देख सकते हैं कि एशियन कंट्रीज है एक पूरा रीजन का ग्रुप है, जिसमें यहाँ पर है म्यांमार, जो इंडिया, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पर बांग्लादेश है, उसके बाद इंडिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया म्यांमार के साथ इंडिया की बाउंड्री लगती है। तो म्यांमार भी इस एशियन का मेंबर है। आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप में पूरी तरह से देख सकते हैं, ये कंट्रीज का पूरा रीजनल ग्रुप है एक तरह से, एक जो आपस में खुद को एक एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बजाय पूरी कम्युनिटी को, पूरे इस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ ईस्ट रीजन को। तो ये कंट्रीज आप देख ही चुके हैं, हमने बात कर ली है इसके बारे में पहले, आगे चलते हैं। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं? तो दिस वॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड द अलायंस एम्ड प्रमोट स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कोल्ड वॉर के एरा में हुई थी, और उस समय वियतनाम वॉर भी हो चुकी थी। तो ये लोग चाहते नहीं थे कि इनके रीजन में इंस्टेबिलिटी हो, कोई लड़ाई हो, तो उसको स्टेबल रखने के लिए इन्होंने इस एशियन को फाउंड किया था। सबसे मेन मकसद जो था इसका वो थी पीस, अपने एरिया में पीस बनाकर रखना, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन साउथ ईस्ट एशिया। इट हैड ऑल्सो कंक्लूडेड अ लॉट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। और उसके बाद में इसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर भी काफ़ी असर डाला और काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, जैसे कि इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स खुद के साथ तो किए ही, अपनी कंट्रीज़ में तो, अपने में तो इनको है ही, इन 10 कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बाहर की कंट्रीज जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान के साथ, अमेरिका कह गया सॉरी, चाइना, इंडिया, जापान के साथ इनके काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। और इसके बाद बेसिकली इसके जो मेन काम है वो 4 चीज़ों पे मौजूदा समय पे ये काम कर रही है। पहला तो पीस, जो इसका सबसे कोर प्रिंसिपल है कि अपने रीजन में पीस बनाकर रखना। और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और भी काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके बाद है कल्चरल एंड रीजनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनका कल्चर एक है और एक रीजन है, तो ऐसे में पूरी जग पूरे वर्ल्ड के सामने ये खुद के रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक कंट्री रिप्रेजेंट करने के बजाय, तो उसका असर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और ऊपर से इन कंट्री में इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। वियतनाम में जो है काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट है, खास तौर पे जो भी इन्वायरमेंट चेंजेस हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे ज़्यादा और सबसे पहला जो असर है वो इन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। तो ये कंट्रीज़ खुद के बेसिस पे, खुद के साथ मिलकर, एक दूसरी कंट्री के साथ मिलकर इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक कंट्री करेगी दूसरी उसको बिगाड़ेगी तो काम नहीं चल सकता उस रीजन में। काफ़ी नज़दीक नज़दीक ये कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे में इनको मिलकर इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो ये थे मेन जो एशियन के ऑब्जेक्टिव्स थे। और उसके बाद एशियन यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स की, जैसे कि इन्होंने एक एशियन +3 लॉन्च किया था, और ये भी एक फॉरम है, 1997 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। इसमें 3 और कंट्रीज़ आ जाती हैं, एशियन की जो 10 कंट्रीज़ हैं वो तो है ही इसमें, और 3 और कंट्रीज़ आ जाती हैं, चाइना, साउथ कोरिया और जापान।
ये तीन और कंट्रीज हैं इसमें। और उसके बाद एक और है जो है ईस्ट एशिया समिट, जो 2005 से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें पांच और कंट्रीज आ जाती हैं, आई थिंक पांच है, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ पांच और कंट्रीज हैं। पहली है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये ईस्ट एशिया समिट है इनका। तो ये थी अदर एडवांस मैथ्स। तो यहीं तक थी ये वीडियो, कुछ ज़्यादा जानने को नहीं था एशियन के बारे में, जितना था मैंने आपको बताया। आप मौजूदा जो इनके लीडर हैं, जो मेन सेक्रेटरीट हैं, उनके बारे में आप पता कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, तो बाद में प्रॉब्लम आ जाती है, नीचे कमेंट्स आते हैं, पुरानी वीडियोज़ में ऐसा हुआ है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। इसी के साथ इतनी सी हमारी वीडियो थी, काफ़ी तेज़ बोला, सॉरी फॉर दैट, बट होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।